यहाँ के ग्रामीण अस्पताल में 10 मार्च से 13 मार्च तक स्वास्थ्य एवं दंत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेष चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न बीमारियों के 2484 रोगियों की जांच की गई है और इस शिविर को नागरिकों से सहज प्रतिक्रिया मिली है। चार दिवसीय शिविर के दौरान 10 मार्च को 949, 11 मार्च को 980, 12 मार्च को 505 और 13 मार्च को 50 मरीजों की जांच की गई। 65 मरीजों का एक्सरे, नेत्र रोगों से 143, उच्च रक्तचाप से 254 मरीजों का एक्सरे लिया गया। डॉक्टर सुग्रची बाल रोग विशेषज्ञ निखिल चौहान द्वारा बच्चों के विभिन्न रोगों के 45 रोगी, दंत चिकित्सक डॉक्टर हिमांश शेंडे द्वारा 132 दंत समस्या के रोगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विधान देवरी से 28 महिलाओं के विभिन्न स्त्री रोग संबंधी रोगों के लिए डॉक्टर 20 कान नाक गले के रोगी और डॉक्टर नागराले रोहन कुमरे में 23 हड्डी रोग के मरीज हैं, जबकि जनरल फिजिशियन डॉक्टर नागदेवते ने सभी तरह के मरीजों की जांच की है और सर्जन डॉक्टर कोरेट्टी और डॉक्टर हरोसिल के तुषार धाकी और डॉक्टर अविनाश ने एक हिरन रूना की जांच की, जबकि एनेस्थीसियालॉजिस्ट डॉक्टर सखारी ने एनेस्थीसिया की जिम्मेदारी निभाई और इन सभी रोगियों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया। चमोशी के एक ग्रामीण अस्पताल में नसबंदी की योजना बनाई गई। इस बीच 11 मार्च को नागपुर के डॉक्टर राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज कैंसर अस्पताल इकाई आईजी नागदेवते के मार्गदर्शन में जिला समन्वयक डॉक्टर नंदू मेश्राम की टीम ने मौखिक और आदि कैंसर के संदिग्ध रोगियों की जांच की, जबकि स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विधान देवरी ने मौजूद महिला मरीज के सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के संदिग्ध मरीज की जांच की। राज्याभिषेक के कारण पिछले 2 वर्षों से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन नहीं होने के कारण शिविर को नागरिकों की ओर से स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया मिली है। चामोशी से बीसीएन न्यूज़ के लिए बबन वड़ेटीवार की रिपोर्ट।